हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 24। आप लोगों का चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, मैं बात करूँ बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो आप लोगों ने अभी तक 10th लेवल तक 11th में जब भी जहाँ भी पढ़ा, आपने दो शब्द पढ़े। अभी जो इतना लिखा हुआ है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आज आपने पूरा बोर्ड नहीं भरा हुआ है, ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है। बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा इसके इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की जो शुरुआत कर रहा हूँ बेटा, वो दो शब्दों से कर रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से शब्द है वो? एक शब्द तो है आपका परिवहन, परिवहन, और एक है आपका परिसंचरण। क्या है? परिसंचरण। अच्छा, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और सर्कुलेशन, दोनों शब्दों में अंतर क्या है? काफी बार क्वेश्चन आता है, या काफी बार आप लोगों को घुमाने के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा मिसमैच करने के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड करने के लिए पेपर सेटर जो है ना बेटा, वो आपसे क्वेश्चन निकाल देता है, ठीक है। परिसंचरण का मतलब पता है क्या है? कि कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, ये है पॉइंट ए, आई बात समझ में, जहां से कोई भी पदार्थ चला और वो पूरा राउंड लगाकर वापस यहीं आया, ठीक है, वो होता है परिसंचरण। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो सर आप कौन सा नया बता रहे हो? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप कौन सा नया बता रहे हो, वही तो बता रहे हो कि यहां ए से बी तक जा रहा है, वापस ए के पास नहीं आ रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर ये कि परिवहन के अंदर, हालांकि दोनों में वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात कि यहां पर जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम लोग बात करें, तो परिसंचरण के अंदर क्या हो रहा है? नॉर्मली अगर मैं बात बताऊं तो परिसंचरण में कोई भी तरल पदार्थ वो जहां से निकलता है वो वापस वहीं पर पूरा राउंड लगा के आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे ब्लड की, ठीक है, अभी ठीक है चैप्टर के अंदर हम लोग घुस नहीं रहे, एंट्री नहीं कर रहे चैप्टर के अंदर, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बेटा समझ लो। एक बार अगर इंट्रोडक्शन समझ में आया, वर्ड समझ में आए, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ब्लड की, ठीक है, ब्लड, अब ब्लड में ऑक्सीजन कहां से आई? हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के परिवहन की। भाई इससे पहले हम लोगों ने श्वसन लिया था, अब श्वसन में और परिसंचरण में किस तरीके से समानता है? हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, सुनना मेरी बात, ऑक्सीजन की यानी गैस के विनिमय की, गैस के आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, परिसंचरण भी उसके साथ बताऊंगा। अब ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले आई लंग्स में, कहां आई? लंग्स में, फेफड़ों में। थोड़ा सा इंग्लिश चलेगा बेटा, क्लियर है। अब फेफड़ों से वो कहां जाती है? आपके हार्ट में जाती है। फेफड़ों में वो किसके साथ आके मिली? ब्लड के साथ में मिली, ब्लड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। अब यहां से ये दोनों कहां गए? हार्ट में गए। यहां से ये दोनों कहां गए? हार्ट में गए, ठीक है। हार्ट ने क्या किया बेटा? हार्ट ने इनको ट्रांसफर किया कहां तक? सेल्स के पास में, सेल्स के पास में, ठीक है। अब सेल में क्या कर दिया? सेल में ऑक्सीजन तो क्या हो गई? रिलीज हो गई। ऑक्सीजन को तो क्या कर दिया? छोड़ दिया गया, ठीक है। उसको बोला कि तुम यहां रहो, क्योंकि वहां पर क्या है? पोषक पदार्थ है। पोषक पदार्थ उसे क्या बनाना है? एनर्जी बनानी है, ऊर्जा बनानी है, क्लियर है ना। अब सुनिएगा, तो वहां से शरीर में अब ऑक्सीजन तो रिलीज कर दी गई, अब क्या बचा? रिमेनिंग ब्लड अकेला बचा। अब ब्लड के साथ में CO2 आ गई और ये ब्लड इसे वापस कहां लेके आया? हार्ट के पास में। तो एक चक्र के रूप में चल रहा है भाई, ब्लड सबसे पहले हार्ट में आया था, हार्ट से वो सेल तक गया, टिश्यूज तक गया, और वापस CO2 को लेकर वो कहां आया? वापस CO2 को लेकर कहां आया? हार्ट में। तो परिसंचरण के माध्यम में अगर आप लोगों को बताऊं तो हमारे हृदय से पंपिंग की तरह काम होता है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है जिसमें वह रुधिर को और ऑक्सीजन का तथा CO2 का आदान प्रदान या विनिमय करने के लिए जरूरी होता है। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं आगे भाई, ठीक है, हम लोगों ने वर्ड तो समझ लिए,
लेकिन अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम लोग चले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेटा क्या लिखा हुआ है वो सुनिएगा। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है वो सुनिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आता है कि छोटे जो एक कोशिकीय है यानी कि यूनिसेलुलर, अब ये बात कर रहे हैं यहां पर एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर छोटे जीवों की बात कर रहे हैं, एक कोशिकीय या फिर एक स्तरीय और द्विस्तरीय बहुकोशिकीय। यहां पर स्तरीय का मीनिंग क्या है वो सुनिएगा। मैंने अगर आप लोगों को काफी बार वर्ड लिया है एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म, आई बात समझ में? तो सेम वही यहां पर एक लेयर वाले एक सेल्स लेयर वाली, ठीक है, जीव और डबल सेल लेयर वाले जीव जो होते हैं उनकी बात कर रहा है। उनमें ऑक्सीजन, ठीक है, कुछ छोटे जीव जैसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन तथा पोषण, ऑक्सीजन तथा पोषण, पोषण की बात कर रहा है बेटा न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स की। किसकी बात कर रहा है? न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स की, ठीक है, वो डायरेक्टली माध्यम। अच्छा, माध्यम का मतलब क्या है? माध्यम का मतलब है यहां पर वातावरण। क्या मतलब है? वातावरण यानी कि एनवायरमेंट से या उनका सराउंडिंग्स या एनवायरमेंट, ठीक है, यानी ये पोषण का, पोषण किस तरीके से ग्रहण करते हैं या उनके सराउंडिंग से डायरेक्टली एनवायरमेंट से ग्रहण करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली किससे ले रहे हैं? उनसे सराउंडिंग या एनवायरमेंट से ले रहे हैं, ठीक है। और CO2 की भी, CO2 और जो रिमेनिंग एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है आगे इसे नेक्स्ट वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ जो है, CO2 और उत्सर्जी पदार्थ जो है उनको डायरेक्टली मीडियम में यानी वातावरण में डाल दे। आई बात समझ गए? यानी ऑक्सीजन को, सुनो मेरी बात, ऑक्सीजन को और पोषण माध्यम को तो वातावरण से ही ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि उत्सर्जी पदार्थ और CO2 को डायरेक्टली वातावरण में ही डाल रहे, ठीक है, तो वो तो होते जी की सिंपल चीज की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अमीबा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अमीबा की अगर हम लोग बात करें तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे भी ये अमीबा किसी फूड पार्टिकल के संपर्क में आया, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, फूड पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में आया, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमीबा जो है वो इस तरीके से सूडोपोडिया यानी कि फाल्स फीट बना लेता है और चारों तरफ से उस फूड पार्टिकल को क्या कर देगा? घेर लेगा, ठीक है, और घेरने के बाद क्या करता है? वो अपने पास अंदर उनको ग्रहण कर लेता है, अंत्यग्रहण कर लेता है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। क्लियर है? तो अब क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात, इसने क्या किया? बाहर वातावरण में था, सराउंडिंग में था, मैं बात कर रहा हूं अभी छोटे जीवों की, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है ना। अब उसने सराउंडिंग से ही डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसको डाइजेशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है यानी अपचित जो भोजन है, वेस्ट जो है, जो उत्सर्जी पदार्थ है, उसको उसने क्या कर दिया? डायरेक्टली वातावरण में ट्रांसफर कर दिया। आई बात समझ में? यानी इनकी सेल्स के अंदर या इनकी सेल्स से वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहती है, किसके? उनके सराउंडिंग एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में, ठीक है, बॉडी के आउटर एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, काफी बार आता है लेकिन, अब साइंस जो है वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा है बेटा जिसमें काफी एक्सेप्शन चलते हैं, काफी अपवाद चलते हैं। अगर हम लोग बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं भाई, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर छोटे जीवों की बात कर रहे हैं, या फिर एक लेयर वाले जो बहुकोशिकीय जीव उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो इसमें सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में तो रहते नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं, सुनना मेरी बात, आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा बता रहा हूं ये, हालांकि आप लोग ये पढ़ चुके हो, उनका जो शरीर का संगठन स्तर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स, सेल्स से टिश्यूज, ऊतक बनते हैं, कोशिकाओं से क्या बनते हैं? ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से क्या बनते हैं? अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद बनता है उनका शरीर। तो कोशिकाएं डायरेक्टली एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में तो नहीं है भाई, शरीर के अंग अगर मैं बात करूं, मेरी बात करूं, ठीक है, मैं मेरी बात कर रहा हूं, अब मेरे अगर मेरा कोई सेल तो दिख नहीं ना बात, ठीक है, सेल तो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है, मेरा क्या है? हाथ एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में, बॉडी का ऑर्गन तो ठीक है, आंखें एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में, ठीक है ना, एयर से वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में,
लेकिन पर्टिकुलर सेल तो नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, बहुकोशिकीय जीवों में जो उनके सेल्स हैं, उनकी कोशिकाएं, वो सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होती हैं। तो भाई क्या होगा, वहां तो सीधे वातावरण के संपर्क में थे, वातावरण से वो ले रहे थे, ठीक है, और वापस वातावरण में ही छोड़ रहे थे। तो फिर इस केस में क्या होगा, इसीलिए इसी कारण, यही एक मेन कारण है, मेजर कारण ये है। अब इसीलिए उनकी बॉडी को एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, बेटा थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश इज क्वाइट इजी, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जो एक सिस्टम रिक्वायर्ड है, एक तंत्र रिक्वायर्ड है, जो क्या करेगा, गैस विनिमय का मतलब होता है बेटा आदान प्रदान, ठीक है, पोषण आपूर्ति मतलब, सुनना मेरी बात, पोषण आपूर्ति का क्या मतलब है, जो पोषक पदार्थ हैं उनको बॉडी के, ठीक है, हम लोगों ने खाना खाया, फूड हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, अब फूड एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, सुनिएगा, फूड लिया, फूड हमारे बॉडी में क्या होगा, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम से, अब क्या काम है कि उसको पूरे शरीर के हर एक अंग तक, हर एक कोशिका तक पहुंचाना, क्योंकि ऊर्जा हमें पता है हर एक कोशिका में बन रही है, ठीक है। तो फूड को जब एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, आफ्टर एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, सुनना मेरी बात क्लियरली, कि जैसे ही एब्जॉर्ब किया, आफ्टर एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, कि उस फूड को आप लोग कहां पहुंचाओगे, सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाओगे, ठीक है, उस फूड को आप लोग कहां पहुंचाओगे, सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाओगे। तो पोषण आपूर्ति का मतलब क्या होता है, कि जो पचित भोजन है उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, पचित भोजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, ठीक है। और अब रिमेनिंग जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको क्या करेंगे, वो बॉडी से बाहर त्याग सकता है, ठीक है। ऐसे तंत्र को आप लोग क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। अब काफी बार क्वेश्चन आता है, हालांकि सीधे क्वेश्चन पेपर सेटर इतना पागल तो है नहीं, जो आपका पेपर सेट करता है वो सीधे क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। अब परिसंचरण के प्रकार, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली दो प्रकार का होता है, हालांकि हम लोग इसमें तीन टाइप का पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, जो दो प्रकार का है तो बेटा तीसरे प्रकार का है, लेकिन वो इसी के अंदर है, ठीक है, मनुष्य का एक स्पेशल कैटेगरी है, उसी के अंदर है। तो सुनिएगा मेरी बात, दो प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, खुला और बंद। अब खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें, ओपन, सब कुछ ओपन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ट्यूब नहीं है, यहां तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके आगे, तो इसमें क्या है, जो तरल, अच्छा तरल की बात, कौन सा, संयोजी, सुनना मेरी बात, संयोजी तरल कौन सा है, ब्लड, कंफ्यूज मत होना, ब्लड हो सकता है, लेकिन छोटे जीवों में रक्त नहीं पाया जाता, इसलिए तरल बोला गया, ठीक है। तरल अथवा द्रव जो है वो डायरेक्ट कहां फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट कहां प्रवाहित हो रहा है, वो सेल्स और टिश्यूज के बीच में, कोशिका और उत्को के मध्य प्रवाहित होता है। आई बात समझ में। अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने अगर क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों ने उसमें सीलोम पढ़ा होगा, हुआ कैविटी या सीलोम पढ़ा है, सीलोम, ठीक है, सब कुछ साफ हो गया बेटा, आई बात समझ में। सीलोम का मतलब क्या है, नॉर्मली गुहा है। अब आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि जिसमें सीलोम पाई जाती है उनको सीलोमेट बोलते हैं, और जिसमें सीलोम नहीं पाई जाती उनको एसीलोमेट बोलते हैं। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली जो लिक्विड है वो डायरेक्टली उस सीलोम में भरा रहता है, कैविटी में भरा रहता है, और कैविटी के अंदर ही वो फ्लो हो रहा है, यानी उसमें जो सेल्स है वो डायरेक्टली उसके कॉन्टैक्ट में रहती है, क्लियर है। सेल्स क्या करती है, डायरेक्टली उस लिक्विड के कॉन्टैक्ट में रहती है, ओके। तो निष्कर्ष क्या निकल कर आया, वही लाइन निकल कर आएगी जो भी मैंने पहले आपको बताई थी, लाइन वही निकल कर आई थी जो पहले मैंने अभी आपको बताया था, कि परिसंचरण हेतु विशिष्ट नलिकाओं और वाहिकाओं का अभाव होता है, कोई वाहिका और नलिका नहीं होती, भाई बॉडी है, बॉडी से डायरेक्ट
कोई भी फूड पार्टिकल डायरेक्ट आया तो बॉडी में फ्लो कर रहा है, वो कोई भी नलिका नहीं है, कोई भी ट्यूब नहीं है, ठीक है। जैसे उदाहरण इंसेक्ट आप लोग होगा, अच्छा इंसेक्ट किस स्कूल में आते हैं बेटा? ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा, अगर हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करें, एनिमल किंगडम की मैं बात करूं, तो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा भी होगा, अदरवाइज पढ़ेंगे भी, कि अगर हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हर एक 10 एनिमल में जो 7 है वो इंसेक्ट आता है, कीट है, इतने ज्यादा कीट पतंगों की प्रजाति है, ठीक है। ओके, मोलस्का, मोलस्का में आप लोगों के सीपी घोंगा वगैरह आते हैं, क्लियर है। तो मोलस्कन और इन ऑर्थोपोडन्स में नॉर्मली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लियर है। फिर हम लोग बात करें क्लोज, दूसरा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं अगेन, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज जो उसका अपोजिट है, ठीक है, यहां पर डायरेक्टली सेल्स उसके सेल्स जो वो लिक्विड के कॉन्टेक्ट में नहीं आती, ठीक है, तो कौन आता है? इस प्रकार के परिसंचरण में संवहनी तरल, यहां पर मैंने संवहनी तरल या ब्लड लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जितने हायर ऑर्गेनिज्म है बेटा उनमें ब्लड होता है। संवहनी, वर्डिंग पहले समझो, संवहनी, सम मतलब साथ, और वहन करने वाला, अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाने वाला, क्लियर है, लिक्विड तरल, ओके। संवहनी तरल या ब्लड जो है वो जनरली वाहिकाओं और वाहिनिकाओं यानी ट्यूब्स और वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये किसमें पाया जाता है बेटा? जनरली ये खरगोश में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, आप लोगों के एम्फीबियंस में पाया जाता है, आप लोगों के रेप्टिलियंस में पाया जाता है, क्लियर है ना, इनमें ये पाया जाता है, ओके। आपके एवीज ग्रुप में पाया जाता है, एवीज ग्रुप जानते हो, पक्षियों का ग्रुप, क्लियर है, तो उस ग्रुप में ये पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं मनुष्य की बात करूं, यहां पर काफी बार क्वेश्चन आता है कि मानव में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है, बंद परिसंचरण में आपने कॉमन एग्जाम्पल मनुष्य का दे दिया, लेकिन अब एक और पॉइंट है, मानव में बेटा दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, कैसा होता है? दोहरा। हालांकि इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे, जब आपका ब्लड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका हर्ट कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा, तो लास्ट में टॉपिक आएगा डबल सेपरेशन, दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। अच्छा, इसकी क्या नेसेसिटी है, मैं इसकी आवश्यकता बताता हूं। मानव में बेटा जो बॉडी का आधा पार्ट है उसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, CO2 वाला ब्लड होता है, और आधे पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्यूज ना हो, मिले नहीं, ठीक है ना, उसके लिए मानव में जो परिसंचरण प्रणाली है वो दोहरे परिसंचरण की प्रणाली प्रयुक्त होती है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, ओके, क्लियर है ना। अब